आपका बजट 18,000 के आसपास है और इस प्राइस में एक लेटेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, साथ में पावरफुल चिपसेट लगा होगा जिसमें आपकी अच्छी खासी गेमिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, साथ में बेस्ट कैमरा सेटअप भी होगा और साथ में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसके साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 5 लेटेस्ट फ़ोन के बारे में बताने वाले हैं जिसमें ये सब सारा फीचर्स मिल जाएगा और ये स्मार्टफोन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने लिस्ट के 5वें नंबर से और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे जो मेरे लिस्ट में पहले नंबर पर है उसके बारे में। और मेरे लिस्ट में 5वें नंबर पर है Xiaomi का स्मार्टफोन Redmi Note 11T और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट फ़ोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, साथ में IP53 का रेटिंग मिल जाता है, साथ में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है और सेफ्टी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ है जिसके साथ में 90Hz का फास्ट बैक का सपोर्ट मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगा है MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट और ये चिपसेट 6nm टेक्नोलॉजी पर बिल्ड है और साथ में MIUI 12.5 का सपोर्ट मिल जाता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर रहते हैं जो कि आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। 50MP का रियर में डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है, 16MP का सेल्फी कैमरा है और दोनों ही कैमरे से आप 1080 में 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसके साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फोन के अंदर कैमरा सेटअप में आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। 6GB रैम प्लस 64GB की प्राइस 18,449 रुपये है और मेरे लिस्ट में 4वें नंबर पर है Realme 9 Pro। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक के साथ में आता है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी यूनिक बनाया गया है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। तो चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.6 इंचेस का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले है, साथ में 120Hz का फास्ट बैक का सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके अंदर डिस्प्ले में काफ़ी स्मूथनेस भी मिल जाएगा जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी स्मूथ इसमें देखने को मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लगा है Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट और ये चिपसेट कंप्लीट 5G मॉडेम के साथ में आता है जिसके अंदर आपको पावर एफिशिएंसी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, साथ में डे टू डे परफॉर्मेंस में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है और जिसके साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो इस फोन के साथ में किसी भी गेम को आप हाई सेटिंग में खेल सकते हैं। 64MP का रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, साथ में 16MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है और दोनों ही कैमरे से आप 1080 में 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसके साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 6GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 18,000 है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्राइस के अंदर एक लेटेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है और फ्यूचर के लिए यह स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन आप सबके लिए हो सकता है। और मेरे लिस्ट में 3rd नंबर पर है Realme का ही फ़ोन है Realme 9i और ये भी एक लेटेस्ट फ़ोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। तो ये भी स्मार्टफोन प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ में स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप स्मार्टफोन में ज़्यादा मल्टीमीडिया यूज करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, साथ में 90Hz का फास्ट बैक का सपोर्ट मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लिए लगा है Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट और ये भी काफ़ी अच्छा चिपसेट है जिसके साथ में आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाता है, साथ में डे टू डे यूजेज में फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है और इस फोन के भी साथ में किसी भी गेम को आप हाई सेटिंग में खेल सकते हैं। 50MP का रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, साथ में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और दोनों ही कैमरे से आप 1080 में 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके कैमरे में आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिल जाता है जिसके अंदर डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसके साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 6GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 16,000 है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्राइस के अंदर एक लेटेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं जिसके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है और साथ में ये स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ भी है। और मेरे लिस्ट में 2nd नंबर पर है Vivo T1। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.58 इंचेस का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसके साथ में 120Hz का फास्ट बैक का सपोर्ट मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लगाए Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट जिसके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है,
साथ में अगर गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी स्मूथ इसमें मिल जाता है। 50 में आपका रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, साथ में 16 में अपसल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और दोनों ही कैमरे से आप HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5000 एमएच की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसके साथ में 18 वाट का एक नॉर्मल चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। 6GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 16,990 रुपये है। लिस्ट में पहले नंबर पर है IQ Z3। इस स्मार्टफोन के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करने के लिए लेना चाहते हैं या फिर एक अच्छा कैमरा सेटअप के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप सबके लिए बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो ये भी स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैग के साथ में आता है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर 6.58 इंच का IPS IPS LCD डिस्प्ले है जिसके साथ में 120Hz का फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है। फोन में परफॉर्मेंस के लगा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का चिपसेट और ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है जिसके साथ में आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाता है। डे टू डे यूजेज में फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है और ये डुअल कंप्लीट 5G मॉडेम के साथ में आता है और जिसके साथ में आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग में खेल सकते हैं। साथ में LPDDR4X का रैम भी मिल जाता है। 64 में आपका रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, 16 में आपका सेल्फी कैमरा है और दोनों ही कैमरे से आप HD में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में 4400mAh की बैटरी मिलेगी जिसके साथ में 55W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम प्लस 128GB की प्राइस 17,990 रुपये है। साथ में 55W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो IQ Z3 को आप जोर से कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों जो 5 स्मार्टफोन के बारे में आपको बताए हैं उसमें से कौन सा स्मार्टफोन आपको सबसे अच्छा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।